दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार वो राहत मिली जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। रावजीवनी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। दरअसल आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राव जेवेन्यू कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत पर बेल बॉन्ड स्वीकार करने के लिए 2 दिन की अवधि तय करने की मांग की थी ताकि ईडी हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील कर सके, मगर अदालत ने केजरीवाल की जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल के अधिवक्ता शुक्रवार को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष जमानत बॉन्ड के आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी कर मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपराध की आय और सह अभियुक्तों से जोड़ने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास केजरीवाल को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है। वहीं रावजीवनी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत दे दी है। इसके साथ ही स्पेशल न्याय बिंदु भी सुर्खियों में आ गई है। जज न्याय बिंदु ने पहले ही सुनवाई में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद 20 जून को मामले पर सुनवाई करते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। दरअसल फिलहाल कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में नियमित कोर्ट नहीं लग रही है। मौजूदा समय में वेकेशन बेंच मामले का निपटारा कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में वेकेशन बेंच के सामने लिस्ट हुआ था। मामले की सुनवाई जज न्याय बिंदु भी वेकेशन बेंच ने की है।